तो आप लोगों ने चाट और गुपचुप तो बहुत जगह खाया होगा, पर इनके तरह आलू टिक्की चाट कोई नहीं बनाता, जो कि मथुरावासी चाट में बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इनके यहाँ का। बार बार बोल रहा हूँ ये, मैं तारीफ़ करना बनता है भाई, क्योंकि इस तरीके का क्वालिटी और टेस्ट आप लोगों को केवल भिलाई में नहीं रायपुर में भी मिल जाएगा। इनकी हर ब्रांच में एक जैसा टेस्ट, एक जैसा आइटम भी अवेलेबल है और मेन्यू का जो प्राइस है वो भी एक जैसा ही मिलेगा आप लोगों को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ भिलाई के सिविक सेंटर एरिया में और यहाँ मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ मथुरावासी चाट सेंटर। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, मथुरावासी चाट सेंटर आप लोगों के लिए सिविक सेंटर में अवेलेबल करा दिया गया है। पहले इसका जो लोकेशन था वो आकाशगंगा सुपेला था, अभी भी वहीं लगता है, पर एक ब्रांच और आप लोगों के लिए खोल दिया गया है भिलाई में ओरिजिनल। वैसे तो लोकल नाम से बहुत जगह खुल चुका है मथुरावासी चाट सेंटर, क्योंकि ये फेमस है और आप लोगों को यहाँ का टेस्ट भी पसंद आता है। बस वही एक्सप्लोर करने आया हूँ और मेरे को तो इतना पता है जितना कि मेरे दिमाग में है, भिलाई के अधिकतर लोग यहाँ पे आके खा चुके होंगे, यहाँ का स्वाद भी पता है आप लोगों को। ओरिजिनल क्वालिटी जो है ना यही मिलता है गुपचुप चाट में। वैसे चाट सेंटर तो बहुत जगह आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, पर इनके जैसा चाट और गुपचुप और कोई नहीं बनाता। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पे और एक प्यारा सा फूड रिव्यू आप लोगों के लिए रहेगा, जिससे कि आप लोग भी यहाँ आओ फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ और चाट, गुपचुप, दही बल्ला, पापड़ी चाट, आलू टिक्की चाट एंजॉय कर सको। चलिए बाहर से दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है ये लोकेशन। तो बाहर से देख सकते हो आप, बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को मथुरावासी चाट सेंटर, सिविक सेंटर, मिनी मार्केट एरिया आप लोग बोल सकते हो उसको, जूस फैक्ट्री के जस्ट सामने में आप लोगों को दिख जाएगा। अंदर चलते हैं और यहाँ के ओनर से बात करते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे गुपचुप का ऑप्शन है और गुपचुप में इनके पास में दो वैरायटी है, एक वैरायटी अपना नॉर्मल मैदे वाला हो जाता है और एक अपना जो हो जाता है वो सूजी वाला। और खजूर की चटनी है हमारे पास, ग्रीन खजूर की चटनी वगैरह तो मैं सब दिखाऊंगा, आपके यहाँ का स्पेशलिटी है वो। बाकी यहाँ के ओनर ये हैं, पापा आपके आकाशगंगा सुपेला में रन कर रहे हैं, आप यहाँ पर रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कैसे हाल चाल है आपके? सब बढ़िया एकदम। क्या नाम लिखते हैं आप? कुणाल बोला। अपने दुकान का नाम क्या है? मथुरावासी चाट सेंटर। भिलाई में बहुत ही ज्यादा फेमस है, भिलाई क्या बोलूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। कहाँ कहाँ इसकी ब्रांच है? छत्तीसगढ़ में टोटल 7 ब्रांच है। छत्तीसगढ़ में टोटल 7 है, भिलाई में 2 है मेरे ख्याल से और रायपुर में 4-5 है। रायपुर में 3 है, एक बिलासपुर, एक धमतरी। यहाँ कितने दिन हुए सिविक सेंटर मिनी मार्केट में? एक हफ्ता हुआ बस। एक हफ्ता हुआ चालू किया, कैसा है रिस्पांस भिलाई के लोगों का? ठीक है, अच्छा। आपके यहाँ का चाट खाने के लिए तो लोग मरते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी बाहर से भी आता है ना वो आपके यहाँ का चाट जरूर मिस करता है, यहाँ से बाहर जाता है तो भी मिस करता है और खाने के बाद तो एकदम तारीफ ही करेगा, बुराई कभी नहीं करेगा वो आपके यहाँ का चाट। और बोल सकते हो सारे आइटम ना, कुछ ऐड किए हो क्या एक्स्ट्रा? वही है सब, पुराने ही आइटम है सबके सब। और टाइमिंग क्या है लगाने का दुकान? 5 बजे से 11 बजे तक। और अपना पार्टी ऑर्डर भी लेते हैं क्या कुछ? पार्टी वार्टी सब होता है। पार्टी ऑर्डर भी लेते हो ना, नंबर बता दीजिए उसके लिए। नंबर 8838312044। तो आप लोगों को पार्टी ऑर्डर देना है इनको, मथुरावासी चाट सेंटर वालों को। ऐसे पार्टी में आप लोगों को रखना रहेगा ना, आलू टिक्की चाट हो गया, गुलाब जामुन हो गया, खोए वाला, प्लस यहाँ पे इनका तो सबसे ज़्यादा फेमस दही भल्ला है। तो स्क्रीन में नंबर प्रोवाइडेड है आप लोगों को, तो पार्टी ऑर्डर आप लोग इनको दे सकते हो। सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या निकलता है अपने यहाँ? आलू टिक्की, गुलाब जामुन और दही बड़ा। आलू टिक्की, गुलाब जामुन और दही बड़ा, तो मेरे लिए तो आलू टिक्की चाट लगाइए आप और वही खाएंगे। हफ्ते में 7 दिन लगाते? 7 दिन 365 दिन चालू रहते हैं। 365 दिन चालू रहता है। अभी क्या बना रहे हैं ये? टिक्किया। ये किसका बनता है अपना? आलू का रहता है, अंदर मसाला रहता है, आलू दाल का मसाले रहते हैं पूरे। अच्छा। और देसी घी में बनता है। देसी घी में बनता है, ये सबसे बड़ी खास बात है ना अपने यहाँ का। और अपना जो गुलाब जामुन है वो भी खोए का प्लस घी में। और ये अपना खजूर की चटनी, ड्राई फ्रूट वाली है, ये सब दही बल्ला में इस्तेमाल होता है और उसमें आलू टिक्की चाट में भी। अच्छा, आपके यहाँ के जान है ये? क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है? खजूर की है सबसे स्पेशल, ये है इमली का कोई आइटम नहीं अपने यहाँ पे, प्याज लहसुन भी नहीं है। प्याज लहसुन यूज नहीं करते ना? बिल्कुल यूज नहीं करते। गुलाब जामुन बहुत ज्यादा निकलता है, गुलाब जामुन, टिकिया वगैरह सब। क्या क्या प्राइस देते हैं आलू टिक्की चाट? 80 का है, गुलाब जामुन देसी घी में है तो प्राइस मेरे को तो एकदम मस्त लगता है। और बाकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत बार खा चुका हूँ, भिलाई के लोग भी यहाँ पर बहुत ट्राई कर चुके हैं, बताने की तो ज़रूरत नहीं है अपने पास में क्या क्या आइटम है क्या क्या नहीं है। बस ये है कि एक प्यारा सा फूड रिव्यू आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं, जिससे कि आप लोग यहाँ पर आ पाओ। न्यू लोकेशन में आप लोगों के लिए मथुरावासी चाट सेंटर खुल चुका है भाई, और पुराने लोकेशन में भी है तो सुपेला वाले उधर खा सकते हो, अपना सिविक सेंटर या फिर सेक्टर एरिया वाले यहाँ आके खा सकते हो।
चलिए आलू टिक्की चाट जो मैं बनवा रहा हूँ उसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आलू टिक्की चाट में आलू को फ्राई कर दिया गया है। आलू बता रहे हैं कि दाल का भी उपयोग होता है उसमें। कौन सा दाल लगता है अपना? दाल, उड़द दाल। चना दाल, उड़द दाल, उसके वजह से क्रिस्पी होता है ना वो। काजू पाउडर भी रहता है। काजू पाउडर भी रहता है अपने यहाँ के दही भल्ले में। काजू भी इस्तेमाल किया जाता है ड्राई फ्रूट में। अभी ये क्या बना रहे हैं? मटर भी डाला हुआ है, हरा मटर। ये छोले डाल रहा हूँ, काबली चने, ये पुदीना की चटनी, पुदीना की चटनी आमचूर की, और ये हमारे यहाँ की स्पेशल चटनी खजूर की, खजूर की चटनी। ये अपना बन के तैयार हो गया। चीज बचा है चम्मच। चम्मच तो आप लोग देख सकते हो भाई, इस टाइप का इनका कुछ आलू टिक्की चाट तैयार होता है। इनके पास में गुपचुप का भी ऑप्शन है जो कि बोथ कैटेगरी में, सूजी हो अपना नॉर्मल वाला और बाकी गुलाब जामुन तो है ही। मैं आलू टिक्की चाट ट्राई करके देखता हूँ कि टेस्ट में कैसा लगता है मेरे को। तो इनके यहाँ आप लोगों को दही भल्ला भी मिल जाता है। दही भल्ला आप लोग देख सकते हो, दो वैरायटी का दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, एक छोटा साइज में एक बड़े साइज में। इसका अंतर बताएंगे भैया अपने को। ये दही बड़ा है, उड़द दाल का ये वाला ड्राई फ्रूट्स वाला रहता है, और वो मूंग दाल का रहता है सिंपल। अच्छा, वो मूंग दाल का इसलिए साइज छोटा है उसका। अगर अपन मूंग दाल का नॉर्मल फ्राई करके बेचते तो धमतरी का जो मूंग बड़ा फेमस है उस टाइप का लगता है अपने यहाँ का। ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बाकी आप लोगों को बता दूं, जो बड़े साइज का है ना, इसके अंदर आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, काजू बादाम वगैरह। देखिए आप लोग दिखा रहे हैं भैया, यहाँ पे फाड़ के किशमिश भी है, बादाम भी है, काजू भी है, सब है ना। इसको बनाने का भी अलग ही कॉन्सेप्ट होगा। सीक्रेट है वो, उसका बताओगे नहीं कुछ। तो आप लोगों ने चाट और गुपचुप तो बहुत जगह खाया होगा, पर इनके तरह आलू टिक्की चाट कोई नहीं बनाता, जो कि मथुरावासी चाट में बनता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इनके यहाँ का। बार बार बोल रहा हूँ ये, मैं तारीफ करना बनता है भाई, क्योंकि इस तरीके का क्वालिटी और टेस्ट आप लोगों को केवल भिलाई में नहीं, रायपुर में भी मिल जाएगा। इनकी हर ब्रांच में एक जैसा टेस्ट, एक जैसा आइटम भी अवेलेबल है, और मेन्यू का जो प्राइस है वो भी एक जैसा ही मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहला बाइट लेके देखता हूँ, क्योंकि मेरे को भी 6 महीने तो हो ही गया होगा यहाँ पर ट्राई किए। टेस्ट में कुछ अंतर आया है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा। इनका आलू टिक्की चाट भाई एकदम स्मेल जो आता है ना यहाँ पे शुद्ध देसी घी का, वो मज़ा ही कुछ और है। सब चीज़ बराबर डाला हुआ है। छोले का टेस्ट जो था हटके है, और जो इनके यहाँ का बोल सकते हो जो खजूर की चटनी है वो जो जलवा है भाई, उनका जो मैजिक चटनी जो बोल रहे हैं ना, पूरा मैजिक चटनी ही डला गया है इसमें। तो इनके यहाँ का आलू टिक्की चाट तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता ही दिया हूँ। एक और चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री भैया दे रहे हैं अपने को, जो कि है इनके यहाँ का पकौड़ी, दही पकौड़ी बोल सकते हो इसको, एक तरीके का चाट बना के दिए हैं आप लोगों को। और मूंग दाल का बनता है ये, देख सकते हो दो पकौड़ी मिला है इसमें। और ऐसे नॉर्मल बना के देते हो तो कितना पकौड़ी आता है अपना? चार पीस। और कितना रुपये प्राइस पड़ता है उसका? 80 रुपीज़ प्राइस है, मतलब 80 रुपीज़ प्लेट ये देते हैं। और सारा आइटम अपने यहाँ 200 रुपये के अंदर ही अंदर है ना, 150 के अंदर अंदर सारा आइटम मिल जाता है। मतलब शाम को अगर कुछ चटपटा खाने का मन करे ना, तो ज़रूर आना बनता है आप लोगों का मथुरावासी चाट सेंटर। और बहुत ही स्पेशल है ये, इनके यहाँ का दही का क्वालिटी जो है ना वो और कोई नहीं देता भाई। एक बार तो आना बनता है आप लोगों का, बार बार आओगे मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। ट्राई करके देखता हूँ इनके यहाँ का मूँग पकौड़ी, एकदम हटके टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आते हो तो ज़रूर ट्राई करना। दही का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, और एक तरीके से ये थोड़ा सा ना आप लोगों को दही बल्ले का छोटा रूप लगेगा, क्योंकि दही बल्ले में बस ड्राई फ्रूट हो जाता है, और ये जो टेस्ट है ना वैसी टाइप का है, उसका दाल का फ़र्क है थोड़ा सा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसी के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में। आज के लिए वीडियो बंद करते हैं।